ये बटन दिए गए हैं, इनसे आपको जो करना पड़ेगा तो ऊपर। ये हमारी पैंट्री है, यहाँ पे ड्रोवर हैं, ये सब पूरे ऑटोमेटिक हैं, ये सब पूरे इस बटन से काम करते हैं। ये डोर है, इस पर से यहाँ बटन दबाया और ये खुल गया। डोर का बहुत बड़ा स्कैम है, दिखाएं ऑटोमेटिक है, ना बंद हो रहा है ना खुल रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक ये एरो ब्रिज है जो डायरेक्ट मेट्रो को कनेक्ट करता है। हम लोग इस समय न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में है और आज हम लोगों की तेजस एक्सप्रेस से जर्नी होने वाली है कानपुर तक की। तो वीडियो में जुड़े रहिए क्योंकि अभी आज मैं आपको तेजस एक्सप्रेस का रिव्यू देने वाला हूँ, कैसी क्या ट्रेन है। बटन वाली है पूरी, डोर्स वगैरह पूरे बटन वाले, ऑटोमेटिक वाले। दोस्तों, हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में आ चुके हैं और अभी डोर्स हमारे खुले नहीं है, डोर्स लॉक हैं। बस अब डोर्स खुलने के इंतजार है, फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है भाई, लगभग 3:04 हुआ है, 3:40 तक अभी ट्रेन चलेगी। दोस्तों, अब हमारी ट्रेन यहाँ तक खुल चुकी है, हमारे डोर ओपन हो चुके हैं और इस समय टाइम हो रहा है 3:11, 3:40 पे यहाँ चल देगी। चलो अब अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ ऐसा डोर दिखता है यहाँ का, तेजस अपने तेजस्वी रंग में। शताब्दी भी देखे आ गई है, शताब्दी इसके 10 मिनट बाद चलती है। जैसे तेजस चलेगी उसके 10 मिनट 3:50 में शताब्दी भी चल देती है, लेकिन शताब्दी की चेयर नहीं कर पाती। ये इसके ऑटोमेटिक डोर्स हैं, बटन ऑटोमेटिक वाले हैं, कोई वो नहीं है कि आप वो दिल वाले दुल्हनिया वाले शूटिंग कर रहे हैं। ये थोड़ा सा पुराने ढंग में जैसे नॉर्मल ट्रेन में होता है वैसा ही दिया गया है। यहाँ पर कुछ वो है, फूटिंग वगैरह अपनी रखी है। ये दूसरा कंपार्टमेंट है और यहाँ पे अपनी सीट्स हैं। ये केक हमें ट्रेन में नहीं मिला, हमने ये खरीदा था बाहर से। यहाँ पीछे जनरेटर वगैरह की, मतलब की लाइट वगैरह कैसी क्या कंज्यूम हो रही है बताता है। और ये पीछे यहाँ पे वो है पैंट्री, यहाँ पे कॉफी वगैरह बनती है। और ये हमारी सीट है। भाई हम अपनी सीट पे बैठ चुके हैं, ये सीट का लेवल है, उससे सीट आगे पीछे होती है। और ये हमारे बगल में शताब्दी आके लग चुकी है जो कि इसके 10 मिनट बाद चल देगी। जैसे तेजस चलेगी उसके 10 मिनट बाद शताब्दी चल देगी। बैग रखने की स्टोरेज भी इस ट्रेन में अच्छी खासी दी गई है, जिसमें आपके बड़े बड़े सूटकेस बड़े आराम से आ जाएंगे। हमारी सीट बिल्कुल ऑन द डोर है, तो यहाँ पैंट्री बगल में देख। तो दोस्तों, कुछ ऐसा है यहाँ का, ऑटोमेटिक कर्टेंस हैं, ये बटन दिए गए हैं, इनसे आपको जो करना पड़ेगा तो ऊपर। अब देखो अभी इससे हो जाए मैक्स हो गया, ये कांच टूटा है बाहर से, देखिए वापस नीचे आने लगा। आपको होल्ड नहीं करना है, बस एक बार नीचे वाला बटन दबा देना है, वो ऑटोमेटिक नीचे होता जाएगा। जितना करना होगा लीजिए उतना, स्टॉप कर दीजिए यहाँ से, बस स्टॉप हो गया और ये पूरा नीचे हो गया। जैसे कि हमें इसके विंग सीधे करने हैं, तो उसके विंग सीधे करने के लिए देखिए ये बटन दिया गया है, सिर्फ विंग देखिए पूरे सीधे हो गए। बंद करना है, इसको नीचे करो, बंद हो गए पूरे। ऐसे ये बॉबड़ा सिस्टम है, पूरे बंद हो गए। बस इस बटन से पूरा ऐसे करने से खुल जाते हैं और ऐसे करने से बंद हो जाते हैं। इससे ऊपर नीचे करने के लिए पूरा, और ये विंग्स को सीधे करने के लिए। कितना बज रहा है? बस 3:25 हो गया है, बस 10-15 मिनट हमारी ट्रेन यहाँ चलेगी। देखते हैं करेक्ट टाइम चलती है कि नहीं चलती है। दोस्तों, जैसे कि प्लेन में होते हैं कैबिन क्रू, वैसे भी यहाँ पे देखो कैबिन क्रू दिए गए हैं, ऐसा बता रहा हूँ आप लोगों को। स्टाफ है पूरा, बस ट्रेन चलने वाली है अभी, लोग अंदर बोलने जाने को। चलते हैं अंदर, कितना मिनट बचे हैं? सिर्फ 8 मिनट बचे हैं ट्रेन चलने को। अब चलते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक डोर्स हैं, ये बार क्लोज हो जाएंगे फिर खुलेंगे नहीं, रिस्क नहीं लेते हैं। चलते हैं अंदर, बस सीट मेरी थोड़ी सी बैक साइड वाली है, तो मैं उसको चाहता हूँ कि थोड़ी चेंज हो जाए। बाकी अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा क्या है। यहाँ स्टॉपेज बता दें, दिल्ली से चलने के बाद ये रुकेगी गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से सीधे कानपुर रुकेगी। चलते हैं अंदर, देर क्योंकि अब सतो चढ़ रहे हैं अंदर। यहाँ पे पानी की बॉटल रखी है, वाटर बॉटल। ये हमारी पैंट्री है, यहाँ पे कॉफ़ी मेकिंग वगैरह होती है।
ये हमारी सीट है। अब जैसे कि इस साइड के डोर पूरे क्लोज हैं और ये जो ड्रोवर हैं ये सब पूरे ऑटोमेटिक हैं, ये सब पूरे इस बटन से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे करो, जैसे ये डोर है इसको ऐसे यहाँ बटन दबाया और ये खुल गया, ये ऐसे चलता है। यहाँ इस डोर में भी सेम कंडीशन है, ये कुछ बटन दिए गए नहीं, ये एमरजेंसी जब दिए गए हैं अंदर तो कोई बटन ही नहीं ऑपरेट करने के लिए। ओ भाई ये बस ये लाइटिंग है, जब वो गेट बंद होता है ये लाइटिंग फ्लिप 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 करती है और ये डोर ऑटोमेटिक है। बटन वाले दिखाया भी आपको, ये आपको नाश्ता या खाना खाने के लिए एक छोटी सी ट्रे टाइप की टेबल दी गई है। इसमें अब मैं सेट करूँगा अपना स्टैंड जिससे आप लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट मिल सके। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे पीछे हम बैठे हैं, ये मैंने बहुत दिक्कत कर रहा है मुझको, थोड़ा सा आगे होते तो मज़ा आती, पीछे का भी रो देखता, सबसे पीछे बैठे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं डोर क्लोज हो गए हैं, करेक्ट यहाँ पे 340 हो गया है, 341 हो गया और डोर क्लोज और ट्रेन चल रही है भाई। करेक्ट 340 पे हमारी टिकट ट्रेन चल रही है, ऑन टाइम चल रही है अभी तो और ऑन टाइम ही रहेगी। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलते ही हमें एक पानी की बोतल मिल गई है, एक डिस्पोजल का गिलास भी दिया गया है जिसमें थोड़ी सी IRCTC की इंफॉर्मेशन दी गई है। ये पानी की बोतल रेल नीर की है। आउटर पे चल रही है, तिलक ब्रिज, शिवाजी ब्रिज, शिवाजी ब्रिज है, शिवाजी ब्रिज आ गया। हाँ ये शिवाजी ब्रिज है वादा, बाकी थोड़ा सा इंप्रेसिव थोड़ा सा कम है, ये हमें सोच रहा है तेजस है मतलब इम्प्रेसिव होएगा, इम्प्रेसिव थोड़ा सा कम है, बाकी अभी देखते हैं आगे कैसा क्या है। मज़ा तो आ रही है जो कि AC वगैरह बढ़िया चल रहा है, AC में कोई वो नहीं, कंप्लेन नहीं है, AC वगैरह काफ़ी। आप जिस भी स्टेशन को पास करेंगे यहाँ पे बोर्ड में लिख के आ जाएगा। और अभी इस समय हम लोग आनंद विहार रेलवे स्टेशन को पास कर रहे हैं। इस डोर का बहुत बड़ा स्कैम है, दिखाएं। ऑटोमेटिक है और ना बंद हो रहा है ना खुल रहा है, ऐसा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस डोर को। ना खुल रहा है ना बंद हो रहा है। तो भाई अब हमारी ट्रेन जो है वो गाजियाबाद जंक्शन पहुंच चुकी है, प्रेजेंट स्टेशन गाजियाबाद। दोस्तों गाज़ियाबाद क्रॉस करते ही हमारा नाश्ता आ चुका है और नीचे कुछ गाइड वगैरह दिया है कि अगर आपको ज़रूरत हो आप कॉल कर सकते हैं। नाश्ते में देखा जाए तो ये हल्दीराम की एक लाइट चिवड़ा है, पोहा एक तरीके बोल सकते हैं, और ये ब्रिटानिया केक है थोड़ा सा, और इसमें क्या है, समोसा है, अच्छा इसके अंदर एक समोसा है, और ये सॉस दिया गया है, और ये एप्पल जूस है। समोसा कैसे गर्म है, समोसा बड़ा है काफी। बढ़िया समोसा बढ़िया है। दोस्तों इस ट्रेन में आपको चाय या कॉफ़ी का ऑप्शन मिलता है और नाश्ता आने के ठीक 5 मिनट बाद हमारी चाय भी आ रही है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारी ट्रेन 130 पे लगातार भागे जा रही है और हम लोग नाश्ते के साथ नज़ारे का मज़ा भी ले रहे हैं,
लेकिन कुछ चीज़ें तेजस में ऐसी हैं जो कि बहुत जल्दी सुधारनी चाहिए, जैसे कि इसके जो सेंसर्स हैं वो काफ़ी जल्दी वीक हो रहे हैं। दोस्तों हमें यहाँ पे टी का ग्लास मिल चुका है, टी पाउडर मिल चुका है, वार्म वाटर वो मिलेगा। तो कंप्लेन कर दें अगर आपको सही ना लगे तो। चलो देखते हैं कैसी है, नहीं तो कंप्लेन करी जाएगी फिर। थोड़ी सफाई तो कम है इसलिए मैं इसमें कंप्लेन करूँगा पहले। और ये है इंस्टेंट इलायची टी। अच्छा, ये इलायची पाउडर है चाय को बनाने वाला। तो भाई दोस्तों अब यहाँ पे हमारा वार्म वाटर आ चुका है जिससे हम बनाएंगे अपनी चाय, और हम इसमें थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करेंगे जिससे हमारी चाय अच्छी बने। इसलिए हम थोड़ा सा पानी इसमें कम कर देंगे। वार्म वाटर आ चुका है, अब हम इसमें मिलाएंगे अपना ये इलायची पाउडर चाय वाला। और फिर हम आप देख सकते हो इस ट्रेन में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि डोर्स खुले हैं और पूरी ट्रेन वाइब्रेट हो रही है, इस चक्कर से हाथ वगैरह बहुत शेक हो रहे हैं। तो भाई ये अब हमारी चाय हो गई रेडी। हमने थोड़ा पानी कम कर दिया था इसलिए हमारी चाय अच्छी बनी थी। ये आप भी कर सकते हैं, ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अगर लेग स्पेस की बात करें तो लेग स्पेस भी अच्छा खासा दिया गया है। लेग स्पेस भी अच्छा है, अपने आप से एडजस्टेबल है, अपने आप से एडजस्ट कर लो जितना आपको करना हो। मतलब कि आप इसको अपनी नीड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो बहुत आसानी से। दोस्तों इस ट्रेन में सफाई का भी बहुत खास ध्यान रखा गया है। जैसे उन्होंने हमें अपनी नाश्ते वाली मील सर्व करी, उसके बाद वो लोग पूरी ट्रे लेके आए जिसमें वो हम लोगों का कूड़ा जितना था वो फेंक रहे थे। ये बहुत अच्छा सिस्टम लगा कि सफाई का अलग ध्यान रखा गया है। तो भाई इस समय मैं हूँ तेजस के वॉशरूम में। तो कुछ ऐसा वॉशरूम है, यहाँ पे फेस वॉश दिया गया है, प्रेस करने वाला है, ये थोड़ा सा निकला है। प्लस इतना स्पेशल वॉशरूम मेरे को नहीं लगा यार, नॉर्मल ट्रेन जैसा वॉशरूम है, जैगुआर की तो कुछ ऐसा वॉशरूम है। आवाज बहुत कर रही है, इतना स्पेशल नहीं है, छोटा सा है ये, छोटा सा। यहाँ पे ट्रिमिंग पॉइंट दिया गया है आपको, ये हैंड वॉश करने के लिए नॉर्मल सा बेसिन दिया गया है, ये हैंड वॉश दिया गया है, प्लस नॉर्मल कुंडी है, ओडोनिल लगा है, और ये बायो वॉश। थोड़ा सा स्पेशल सोचा था पर थोड़ा सा तेजा थोड़ा डिसअपॉइंट कर रही है। अब जैसे कि बात करें यहाँ के खाने की, खाना बढ़िया मिला है हमें, जितना भी मेरा खाना इन्होंने दिया है, समोसा दिया था, समोसा गर्म था प्लस टेस्टी था, चाय भी बढ़िया थी, मुझे थोड़ी कम अच्छी लगी, तो पापा है पापा को अच्छी लगी चाय, क्योंकि चाय में हम लोगों ने थोड़ा पानी थोड़ा कम कर दिया था शुरू में जिससे चाय थोड़ी मीठी बने, अच्छी बने, तो उससे हमारी चाय थोड़ी अच्छी बनी थी। तो चाय के थोड़ा पहले जब देते हैं वो लोग बॉइल्ड वाटर को, उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए पहले, तो उससे थोड़ी चाय अच्छी बनेगी। बाकी ट्रेन काफ़ी तेज हिल रही है, और यहाँ साफ सफाई का ध्यान भी अच्छे से रखा गया है। जैसा कुछ जब खा चुके तो ट्रे को एक पूरी वो, जैसे प्लेन में लोग पन्नी लेके आते हैं, पन्नी में सारा कूड़ा, पॉलीथीन में सारा कूड़ा भरा उन लोगों ने, ऐसे मैं फिर जो ट्रे थी उसको क्लीन कर दिया। चलो अब देखते हैं आगे क्या क्या खाने को मिलता है। बाकी अगर नॉनवेज का मील होगा तो मैं नॉनवेज वाला मांगूंगा, ऑमलेट वाला। हालांकि मैं नॉनवेज में चिकन करी वगैरह नहीं खाता, मैं सिर्फ ऑमलेट तक का खाता हूँ। तो उनसे बात करते हैं अभी ऐसे। दोस्तों इस ट्रेन में एक स्वीपर भी रखा गया है जो कि पूरी ट्रेन को 2-3 बार सैनिटाइज प्लस 2-3 बार पूरा क्लीन कर चुका है। ये बहुत अच्छा सिस्टम लगा ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे, ये बहुत ज़रूरी है। IRCTC को इस चीज़ के लिए बहुत थैंक्स। तो दिल्ली से चले अब हमें 2 घंटे हो गए पूरे, यहाँ 5:40 होने को आ गया है, 3:40 हम लोग दिल्ली से चले थे, और अभी तक हम लोग नाश्ता कर चुके हैं, हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी इवनिंग मील तैयार हो रही है जो कि हमें डिनर की तरह सर्व करी जाएगी 8 बजे के लगभग। गाइस ट्रेन के बहुत सारे बैड रिव्यूज भी हैं, जैसे कि ये जो डोर है, ये डोर पीछे बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा है। इतनी देर से लगभग ट्रेन चले 2.5 घंटे हो चुके हैं, मुझे इतने बार कंप्लेन कर चुके हैं, करो करो करो, गेट ज़्यादा बंद ही नहीं हो रहा है। तो अभी चिल्ला के आए उनको अच्छे से, अब जब कर ही नहीं रहे तो उनको अच्छे से चिल्लाया पहले, फिर उन्होंने गेट अब गया है उसको किसी को बुलाने जिसको सही कर सकता है। भाई दोस्तों आप लोगों को एक रिव्यू देना है ट्रेन का, पूरा ऑल ओवर रिव्यू मैं दे रहा हूँ। ट्रेन अब तेजस में एक बटन दिया गया है जिससे आप स्टाफ को बुला सकते हो,
एक घंटे पहले मैंने दबाया था और अभी तक वो लाइट जल रही है, वहाँ पे कोई भी नहीं आया है। तो मतलब कि जब जिस चीज की वैल्यू नहीं है उसको डालने का फायदा क्या है फालतू में। और बहुत सी कमियां है, वो गेट बंद नहीं हो रहा है और इससे इतना ज्यादा शोर हो रहा है कि लग रहा है जनरल कोच में हम लोग सफर कर रहे हैं। तेजस कोई ऐसी नॉर्मल ट्रेन नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा हाईफाई बनाया है, इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है और इसमें अगर ऐसा करेंगे तो भाई बेकार है। पहले कराया और देखो यहाँ पे जैसे जितना है ये क्या है, पानी चू रहा है। अब देखो अरे कैसे वॉशरूम है, पूरा गीला ही गीला पड़ा है। अब ये सब देखो, ये सब एक प्राइवेट ट्रेन में उम्मीद नहीं करी जा सकती है। बेस्ट ट्रेन थी तेजस, सुना हमने, ऐसे जितने रिव्यू सुने सब ने बताया कि तेजस इज द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। जितने बटन है वो खराब है, जो कर्टेन है, हाँ एक चीज और, जो कर्टेन वहाँ पे दिए गए कर्टेन तक काम नहीं कर रहे हैं, उनके बटन भी काम नहीं कर रहे हैं। अब बताओ ऐसे कैसे चलेगा, पता नहीं बटन क्या प्रॉब्लम है, ऊपर ही नहीं जा रहे कर्टेन। ये देखो जैसे कि ये बटन है, ठीक है, ऊपरी नहीं जा रहा, ऊपरी नहीं जा रहा। ये देखो पता नहीं क्या प्रॉब्लम, ना नीचे जा रहा है, ना ही ऊपर जा रहा है, ना ही स्ट्रेट हो रहा है, ना ही कुछ हो रहा है। एज इट इज है जैसे था। अब बताओ आप क्या कर सकते। ये देखो आप, डोर कैसे बिल्कुल खुला है, इसके चक्कर में थोड़ी बहुत कूलिंग भी खत्म हो रही है पूरे कंपार्टमेंट की और बहुत शोर कर रहा है भाई। अराउंड 7:30 PM हमारा डिनर आ चुका है और डिनर कुछ ऐसा दिख रहा है। अब चलो एक एक करके खोल के देखते हैं किसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर पराठे दिख रहे हैं, ये क्या है, आलू की सब्जी है, चम्मच स्टील की है, ये थोड़ा चलो इसमें थोड़ा स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा लगा मेरे को, पनीर की सब्जी, ग्रेवी तो अच्छी दिख रही है। अब खा के देखते हैं कैसी है। ये क्या है, दाल है, राइस है। अच्छा चलो भाई, हम जल्दी से पहले अपनी थाली खोल लेते हैं। इसमें चपाती, रोटी के अंदर मिक्स्ड पिकल है टॉप का, ये दिया गया है आयोडाइज सॉल्ट कैच का, सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे हैंड सैनिटाइजर। प्लस ये हमारा कार्ड आ गया है, यहाँ कार्ड दिया जा रहा है हमें, यहाँ पे कार्ड और मिल चुका है, उसको भी रख लेते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या डेली खोलते हैं। जैसे हम मैंने वेज मील ली थी दोनों, तो मेरे को ड्राई वेज है, इसमें ड्राई वेज। तो भाई कुछ ऐसा है देखो, प्लस एक स्टील की चम्मच दी गई है, ये थोड़ा अच्छा लगा कि थोड़ी सी स्टैंडर्ड मेंटेन किया इन लोगों ने, स्टील की चम्मच दी है। जैसे मैं अपना इसको मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, ये सिंपल होता है ना, क्यों तो सिंपल मुझे दही क्या करना, मुझे इतना शौकीन नहीं होता दही का। इसको अलग रखते हैं, हैप्पी जर्नी। ओके हैप्पी जर्नी तो वैसे हुई नहीं है आज, ऐसे बैड रिव्यूज मिले हैं ट्रेन की। कितनी चपातीज हैं, दो होंगी, दो या पहले चलो पहले पनीर की सब्जी ट्राई करते हैं। पनीर की सब्जी ठीक है, पनीर सब्जी कैसी है, बढ़िया है ना, बढ़िया है, ट्रेन के हिसाब से बढ़िया है खाना। अब दाल ट्राई करते हैं, दाल थोड़ी सी हार्ड है, ग्रेवी थोड़ी हार्ड है, दाल बढ़िया है, दाल भी बढ़िया है, बढ़िया लगी दाल की। ड्राई वेज जो है, ड्राई वेज भी बढ़िया है। भाई अभी अभी हमें आइसक्रीम और मिल चुकी है, ये वनीला फ्लेवर है आइसक्रीम का भी, इसको थोड़ी हमें खाते हैं। पहले अपनी ये खाना फिनिश करने, इतना बड़ा मिर्चा निकला मेरे में, अच्छी बात है। इससे मतलब ये इंडियन फूड का जो होता है वो दिख रहा है, अच्छा लगा। खाने ने जितनी भी इसकी वो थी, इसके वो कंप्लेंट थी, खाने ने इसके पूरी पूरी करी है, क्योंकि खाना बहुत टेस्टी मिला है। टेस्टी खाना है यार भाई, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं जाके वैसा खाना है, बिल्कुल मज़ा आ रही खाने में। तो भाई अब खाना पीना सब हो चुका है, बहुत बढ़िया खाना था। मैं अगर आप खाने को प्रेफर करते हो तो इस ट्रेन में आप आ सकते हो, बढ़िया ट्रेन लगा खाने में, बहुत टेस्टी खाना था, नाश्ता भी बहुत टेस्टी मिला था। और हम लोग
3:40 पर दिल्ली से चले थे और अब देखिए 8:00 हो रहा है और कानपुर से हम लोग लगभग 35 किलोमीटर दूर है अभी। पहले चलो हम लोग हैंड सैनिटाइज कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा हमने खाना खाया, खाना बढ़िया था, खाना बेस्ट था, टेस्टी था, बेस्ट था। पनीर ऐसा नहीं कि पानी दार है, पनीर बढ़िया क्वालिटी की, दाल भी बढ़िया थी, राइस भी बढ़िया था, चपाती थोड़ी सी लूज थी लेकिन ठीक थी, ट्रेन के हिसाब से बढ़िया थी। और जितना मैंने सोचा था ट्रेन के हिसाब से उससे लाख गुना अनएक्सपेक्टेड फूड मिला हमें और बढ़िया खाना था। चाय मंगाइए फिर उसको दिखाते हैं कैसे क्या चाय आती है। चाय नहीं कॉफ़ी मंगाइए, अभी चाय मैं मंगाऊँगा। दोस्तों ये यहाँ से तक रीडिंग लाइट्स दी गई हैं, इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी रीडिंग के और इसका बटन गायब है। प्लीज़ IRCTC अगर मेरी वीडियो देख रहा हो तो इसको प्लीज़ थोड़ा मेंटेन कर दें, थोड़ा मेंटेनेंस पे थोड़ा ध्यान दें थोड़ा, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे देखिए ये बटन है, इसकी ये बटन इसलिए होता है क्योंकि आप वो बुला सकें, एक्सक्यूज मी, ये मतलब आप अपने स्टाफ को बुलाने के लिए होता है और इसी वजह से जल रहा है या कोई आया नहीं। मैंने एक चाय ऑर्डर दी है तो ये अपनी कॉफ़ी आ चुकी है। कैसी कॉफ़ी भैया? ठीक है देखते हैं कैसी है। ठीक है चलिए, दिखने में अच्छी लग रही है। हाँ दिखने में तो अच्छी लग रही है, पीने में भी अच्छी होगी, बैग भी अच्छी आ रही है, सही है। चलो बढ़िया है, कॉफ़ी तो बढ़िया है, चाय देखते हैं कैसी है। चाय भी आ गई मेरी, चाय भी आ गई, देखो ये चाय ठीक है, अच्छी कॉफ़ी, चलिए कॉफ़ी अच्छी है, चाय भी अच्छी दिख रही है, पी के देखते हैं अच्छी होगी। इस ट्रेन में ना फूडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बस थोड़ा डोर के चक्कर में प्रॉब्लम हुई है। फूड का बहुत बढ़िया है, मतलब कि अच्छा पैसे ले रहे हैं तो वो चीज़ आपको दे रहे हैं यार। भाई हमारा डेस्टिनेशन आ रहा है कानपुर, ट्रेन इज अराइविंग एट कानपुर सेंट्रल, पहुंच रही भाई कानपुर सेंट्रल पहुंचने वाली है और बिफोर टाइम आ गई हमारी ट्रेन। तो भाई अब हमारा कानपुर आ चुका है, उतरने का टाइम आ चुका है। तो दोस्तों ये इसकी पैंट्री है, कॉफ़ी बनाने की, चाय बनाने की, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, पानी की बॉटल्स वगैरह। भाई अब हमारी जर्नी यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो जैसी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो के लिए यार बताओ कि जैसे ये लखनऊ अभी आगे लखनऊ जाएगी है ना, अभी ट्रेन आगे लखनऊ जाएगी, ऑटोमेटिक डोर्स हैं बटन वाले, जैसे वंदे भारत में है, जैसे में थोड़ी बहुत कमियाँ हैं उनको मेनटेन कर दो, बढ़िया ट्रेन चलेगी। ट्रेन तो बढ़िया चली रही है, सारी सीट बुक थी, थोड़ी चीज़ें और मेंटेन कर दो यहाँ पे तो अच्छे चले, हो जाएंगी धीमे धीमे, मेंटेनेंस टाइम मांगती है।